आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीटीआरई कावेरी के बारे में। ये चीज हम सब जानते हैं कि जब एलसीए तेजस प्रोग्राम शुरू किया गया था तो प्लान था कि इसके लिए एक इंडिजिनस इंजन बनाया जाएगा, लेकिन गैस टर्बाइन इंजन एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसके चलते इस प्रोग्राम में काफी ज्यादा डिले आई थी और फिर बाद में ये प्रोग्राम एलसीए तेजस से डीलिंक कर दिया गया था। इस बार डिफेंस एक्सपो के दौरान हम लोगों को एक मौका मिला था जीटीआरई डायरेक्टर से बात करने का। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जीटीआरई डायरेक्टर के साथ में मेरी एक फोटोग्राफ को देख रहे हैं और ये फोटोग्राफ उस कैंडिड कॉन्वर्सेशन के बाद में ली गई थी जहां पर मुझे कावेरी इंजन के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स मिली हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइट करती हैं। देखिए, अगर इंजन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये एक बहुत ज्यादा नीश टेक्नोलॉजी है और इस समय वर्ल्ड में केवल 5 ऐसी कंपनीज हैं जो एक रिलायबल इंजन बना सकती हैं। ये कंपनीज हैं प्रैट एंड व्हिटनी, जनरल इलेक्ट्रिक, साफरान, रोल्स रॉयस और रशियन यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन। वहीं पर काफी लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जापान और चाइना भी अपने इंजन्स को लेकर काफी एडवांस स्टेजेस में हैं, लेकिन इन रियलिटी अभी उनके इंजन्स भी रेडी नहीं हैं। देखिए, इस समय केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस और यूके के पास में ही एफिशिएंट इंजन की टेक्नोलॉजी है। वहीं पर रशिया की तरफ से जो इंजन बनाए जाते हैं वहां पर इंजन्स का साइज बढ़ाकर थ्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है और इस तरीके के ट्रेड ऑफ के चलते ये चीज कही जा सकती है कि रशियन इंजन एफिशिएंट नहीं होते हैं। वहीं पर चाइनीज की तरफ से जो इंजन बनाए गए हैं वो इन्हीं रशियन इंजन के बेसिस पर बनाए गए हैं और जो फ्लॉस रशियन इंजन में हैं वही फ्लॉस चाइनीज इंजन में भी हैं। देखिए, अगर जीटीआरई कावेरी की बात की जाए तो इस समय इस इंजन के दो वेरिएंट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। पहला है कावेरी एरो, जिसको इनिशियली एलसीए तेजस के साथ में डेवलप किया जा रहा था, लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट एलसीए तेजस से डीलिंक कर दिया गया था जिसके चलते इस प्रोग्राम की फंडिंग बंद हो चुकी है। वहीं पर दूसरा प्रोग्राम है कावेरी ड्राई, जो इसी इंजन का ड्राई वेरिएंट है जहां पर आफ्टर बर्नर हटा दिया गया था। वहीं पर अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो बेसलाइन कावेरी इंजन को लेकर इस समय कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि एलसीए तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के अलावा इस कैटेगरी में किसी और फाइटर जेट को इस तरीके के इंजन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बेसलाइन कावेरी इंजन को लेकर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इस समय इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। बहुत लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये इंजन सस्टेन नहीं कर पाता है या ये इंजन इस समय पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस समय ये इंजन पूरी तरीके से तैयार है और न ही केवल ये तैयार है बल्कि इसकी पूरी तरीके से टेस्टिंग कंप्लीट की जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके का थ्रस्ट ये इंजन प्रोड्यूस करता है उस तरीके की रिक्वायरमेंट इस समय भारत में नहीं है और यही कारण है कि ये प्रोग्राम इस समय स्टॉल्ड है। देखिए, इनिशियली जब एलसीए तेजस के ऊपर काम किया जा रहा था तो आइडिया था कि इस एयरक्राफ्ट को 80 किलो न्यूटन के इंजन से पार किया जाएगा, लेकिन कावेरी इंजन टाइम से रेडी नहीं हो पाया था जिसके चलते इसको जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से रिप्लेस कर दिया गया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बेसलाइन जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन 78.7 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था और क्योंकि एलसीए तेजस का ओवरऑल वेट कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया था तो उसको क्रैंक अप किया गया जिसके बाद वो इंजन 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो गया था। देखिए, हम सभी के परसेप्शन के उलट इस समय जीटीआरई कावेरी इंजन बनकर तैयार है और ये 73 किलो न्यूटन का सस्टेन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम एलसीए तेजस से डीलिंक कर दिया गया है और अब इसको लेकर कोई फंडिंग नहीं आ रही है तो ये प्रोग्राम इसी स्टेज के ऊपर रुका हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर भारत सरकार एलसीए तेजस की एक यूनिट जीटीआरई को देती है और ये इंजन इस एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट किया जाता है तो ये इस प्रोग्राम के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर 73 किलो न्यूटन के साथ में जीटीआरई कावेरी इस एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट किया जाता है तब भी ये एयरक्राफ्ट अपनी फ्लाइट एनवेलप को 80% पूर्ण कर सकता है और एक बार ये इंजन सर्टिफाई हो जाता है तो जीटीआरई को और फंड्स अलोकेट किए जा सकेंगे और इस इंजन के थ्रस्ट को बढ़ाने के ऊपर काम किया जा सकेगा। एनीवेज, वहीं पर अगर दूसरे इंजन की बात की जाए यानी कि कावेरी ड्राई की, तो ये इंजन हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए जा चुका है और एक बार जब ये इंजन हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा तो इसको IL-76 के ऊपर माउंट किया जाएगा और उसके बाद इसकी हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी। पर्सनली मुझे ये सारी चीज जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है और अगर यहाँ पर भारत सरकार थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में इस प्रोग्राम को सपोर्ट करती है तो भारत एफिशिएंट इंजन मास्टर करने वाला 5वां देश हो सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।